रसिक संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गीता वाटिका में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन जोधपुर से पधारे श्री राधा कृष्ण महाराज ने व्यासपीठ से कथा प्रसंग का विस्तार किया। कथा व्यास राधा कृष्ण जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना की, 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत की भी रचना की, फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। उनको चिंतित देख नारद उनके पास आए। व्यास जी ने उनके समक्ष अपनी समस्या रखी। जगत के आगे समस्या रखने पर वह जगत के लिए मनोरंजन हो जाता है, आपकी समस्या उनके लिए सुख का साधन बन जाती है, किंतु संत के आगे समस्या रखने पर संत उसका समाधान देते हैं। जाने कितने लोग भाई जी के आगे अपनी समस्याएं रखते थे, भाई जी उनका उन सबका समाधान करते थे। जिस चित्त में पवित्रता रहती है उसी चित्त में समाधान रहता है। पवित्र अंतःकरण में ही समाधान प्रकट होता है। जिसका चित्त द्वेष से दूषित है वहाँ समाधान कहाँ। नारद जी ने कहा, जब रसिक शेखर नंद नंदन का गुणानुवाद होगा तभी संतुष्टि मिलेगी। बिना भगवत गुणगान के अन्य कुछ कहने सुनने लिखने से संतुष्टि नहीं होती है। वैष्णव के हर काम का प्रारंभ भगवान के गुणगान से ही होता है। नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तब उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। जानते होंगे कि जब सांप का जहर चढ़ता है तो उसके लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी कोबरा का जहर ही होता है। तो एक जहर को दूसरा जहर ही खत्म करता है। ये विचार मेरे मन में आए, पहला नहीं आपको कुछ बोलना है तो मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ही बुलवाया है, इसलिए आप लोग मेरी अगर कोई बात ऐसी लगी हो, बाबा ने कहलवाया और आपके निर्देशानुसार उसको बल मिला कि अपने मन में जो भाव आपने वो अपने गुरुजनों के समक्ष कहना चाहिए।